देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज उत्तर प्रदेश बुलेटिन की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। प्रदेश के हमीरपुर जिले में बीते शुक्रवार को दो युवतियों ने समलैंगिक विवाह कर लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को सामाजिक मान्यता देने के आदेश के बावजूद स्थानीय प्रशासन ने इस विवाह को मान्यता नहीं दी। पंजीयन विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि अभी तक उनके पास आदेश से जुड़ा कोई शासनादेश नहीं आया है। निबंधन कार्यालय के सब रजिस्ट्रार रामकिशोर पाल ने बताया कि राठ कोतवाली के क्षेत्र में रहने वाली दो युवतियाँ उनके कार्यालय आई और एक दूसरे के गले में जयमाल डालकर शादी रचा ली। इसमें एक युवती की उम्र 26 साल है और दूसरी युवती की 21 साल जो कि शादीशुदा है और एक बच्चे की मां भी है। प्रदेश में भदोही के गोपीगंज इलाके में कुछ लोगों ने छेड़खानी का विरोध करने पर एक महिला कालीन बुनकर को घर में घुसकर कथित तौर पर पीटा और फिर निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया। इस मामले में पीड़ित पक्ष के खिलाफ भी मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव ने बताया कि गोपीगंज थाना क्षेत्र के एक गाँव में 32 वर्षीय एक महिला शनिवार को बुनकरों के लिए जारी होने वाले शिल्पी कार्ड बनवाने गई थी। आरोप है कि वहां लालचंद यादव नामक व्यक्ति ने उससे छेड़खानी की। महिला ने इसका विरोध किया तो यादव नाराज हो गए। कभी बुलंदशहर तो कभी गाजीपुर, सीएम योगी के उत्तर प्रदेश में पुलिस आजकल भीड़ के निशाने पर है। कल शाम पीएम के कार्यालय से लौट रहे पुलिस वालों पर भीड़ ने पथराव कर दिया। इसमें सुरेश प्रताप वत्स नाम के एक सिपाही को गहरी चोटें आई और उसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। आरोप निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं पर है। बता दें कि गाजीपुर में शनिवार को पीएम मोदी का कार्यक्रम था और शाम करीब 5:30 बजे कार्यक्रम की ड्यूटी से लौट रहे पुलिसकर्मियों का सामना भड़की हुई भीड़ से हो गया। लखनऊ में शुक्रवार को लापता 5 वर्षीय मासूम बच्ची का शव शनिवार को बरामद किया गया। परिजनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या किए जाने की आशंका जताई। पुलिस के मुताबिक पड़ोस के ही युवक ने मामूली बात पर गला रेत कर हत्या कर दी थी। पूरे मामले की जांच चल रही है। नाराज परिजनों ने रविवार को महानगर इलाके में जमकर हंगामा किया। पुलिस को गुस्साई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियां भाजनी पड़ी। इस दौरान लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बार बार उठ रहे सवालों के बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार पूर्व की सरकार के मुकाबले कानून व्यवस्था में सबसे बेहतर है। पिछली सरकार की तरह अब अपराधी बाहर नहीं रहते, जेल की सलाखों के पीछे रहकर ही वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी भाजपा सरकार के खिलाफ साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि सपा के कार्यकर्ता अपने घरों के पशु खेतों में छोड़कर हल्ला मचाते हैं। मुख्यमंत्री शाहजहांपुर के नवादा दरुवस्त में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गौशाला के निर्माण के लिए हर जिले में 1,30,00,000 रुपये दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि जिला पंचायत मद से गौशाला का निर्माण कराए। इसके बाद व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहें ग्रामीण न्यूज। नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।